हे सप्तऋषियों, मुझे आपकी ही प्रतीक्षा थी, क्योंकि अपने महाप्रस्थान से पूर्व मैं संसार का मार्गदर्शन करने वाला ज्ञान आपको ही सौंपना चाहता हूं। प्रणाम प्रणाम। हे सप्तऋषियों, आपने सदैव संसार का भला किया है, भटके हुए लोगों का मार्गदर्शन किया है, तो आज आपने मेरा आह्वान क्यों किया? प्रभु, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी प्रकाशमान होती है, उसी प्रकार आपके ज्ञान से हम सब ऋषिगण आलोकित होते हैं। हाँ प्रभु, हम सब ऋषिगण परम पिता ब्रह्मा के आदेश के अनुसार आपके पास गीता का ज्ञान लेने और उसे सुरक्षित करने के लिए आए हैं। किंतु ऋषिवर, गीता का ज्ञान तो मैं पहले ही अपने सखा अर्जुन को दे चुका हूं। प्रभु, आपने जो गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया है, वो एक साधारण मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है। हाँ प्रभु, अब हम ये चाहते हैं कि आप हमें गीता का ज्ञान सरल शब्दों में दें। जैसी आपकी इच्छा। आपके मन में जो प्रश्न है, जो संचय है, मैं मुझसे पूछ सकते हैं। प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूं कि सृष्टि में सर्वप्रथम ये ज्ञान आपने किसे दिए थे और कैसे गीता का ज्ञान संसार में विस्तार हुआ? ऋषिवर, सबसे पूर्व यह ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव ने यह ज्ञान संसार के आदि पुरुष मनु को दिया और मनु ने यह ज्ञान अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। हाँ प्रभु, इक्ष्वाकु तो रघुकुल के पूर्वज थे, इसीलिए आपको भी तो इक्ष्वाकु वंशी कहा जाता है। सत्य कह रहे हैं आप। इक्ष्वाकु के पास गीता का परम ज्ञान होने के कारण सूर्यवंश ने सदा पृथ्वी पर धर्म का राज स्थापित करने का प्रयास किया। इसका अर्थ ये हुआ प्रभु कि पृथ्वी पर मनुष्य के मध्य गीता का ज्ञान महाराज इक्ष्वाकु के काल से विद्यमान था। हाँ ऋषिवर, किंतु प्रभु, इतना सुलभ होने के बाद भी मनुष्यों के मध्य से गीता का ज्ञान विसमृत कैसे हो गया? ऋषिवर, मनु और इक्ष्वाकु से चलती आई ये परंपरा बढ़ते अधर्म के कारण इस संसार में मनुष्य के मध्य से गीता का ज्ञान भी लुप्त हो गया। किंतु आपके मन में जो भी प्रश्न है, जो भी संशय है, वह आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रभु, आपका यह अवतार कर्म की स्थापना के लिए हुआ था, इसलिए मेरा प्रथम प्रश्न यही है कि कर्म क्या है? शरीर, वाणी और मन से की गई कोई भी क्रिया कर्म कहलाती है। प्रभु, इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्रिया कौन सी है? मन, क्योंकि हम जो सोचते हैं वह अवश्य करते हैं, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्रिया मन है। प्रभु, मुख तो कभी सोचता नहीं है, फिर वाणी द्वारा की गई क्रिया कर्म कैसे हो सकती है? ऋषिवर, प्रभु का नाम जप कर मोक्ष प्राप्त किया जाता है, किंतु उनकी निंदा करके श्राप का भागीदार भी बन सकते हैं। कौवे और कोयल में केवल उनकी वाणी का ही अंतर होता है। आपने सत्य कहा प्रभु, क्या मनुष्य बिना कर्म के रह सकता है? नहीं ऋषिवर, मनुष्य की प्रवृत्ति है कर्म करना, वह क्षण भर के लिए भी बिना कर्म करे नहीं रह सकता। प्रभु, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? ऋषिवर, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान में किए गए कर्म तीन प्रकार के होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। मनुष्य अपने पूर्व जन्म में जो भी पाप या पुण्य करते हैं, उसे संचित कर्म कहा जाता है। उसी संचित कर्म के अनुसार उनके आने वाला जन्म निर्धारित होता है। अर्थात यदि मनुष्य ने पाप कर्म किए हैं तो उसका जन्म पशु अथवा असुर कुल में होगा, और यदि उसने सत्कर्म किए हैं तो उसका जन्म देव अथवा मनुष्य कुल में होगा। यही सत्य है। प्रभु, प्रारंभ कर्म क्या है? अपने संचित कर्म के कारण मनुष्य जिस योनि में जन्म लेता है, उस योनि के अनुसार ही उसे कर्म करने होते हैं। अर्थात यदि किसी ने असुर कुल में जन्म लिया है तो उसका झुकाव अधर्म और पाप की ओर ज्यादा होगा, इसे ही प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जय पालन हारी।
ये लो प्रसाद ग्रहण करो। मित्र मैं तुम्हें प्रतिदिन देखता हूँ। तुम प्रभु की भक्ति तो सच्चे मन से करते हो किंतु तुम उन्हें प्रतिदिन रूखा सूखा भोग अर्पित करते हो, ऐसा क्यों? मित्र मेरे पास जो कुछ भी होता है मैं प्रभु को अर्पित कर देता हूँ। मित्र तुम्हारे पास 56 भोग नहीं है ये मैं समझ सकता हूँ, किंतु तुम प्रभु को स्वादिष्ट पकवान या यदि वो भी संभव ना हो तो फल फूल ये तो अर्पित कर सकते हो। जहाँ तक मैं अपने प्रभु को जानता हूँ वो केवल भोग नहीं भोग के पीछे भाव को ग्रहण करते हैं। मित्र ये तो प्रभु की महानता है कि वो भोग भोग में भेद नहीं करते, किंतु भक्त का भी तो कुछ कर्तव्य होना चाहिए, उन्हें भी तो प्रभु को उनका स्वादिष्ट भोजन अर्पित करना चाहिए, जैसे श्री कृष्ण का स्वादिष्ट भोजन है 56 भोग। तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है, भोग नहीं भगवान की भक्ति अधिक आवश्यक है। और तुम ही सोचो यदि मैं अपना सारा समय भोग बनाने में नष्ट कर दूंगा तो मैं भक्ति कब करूंगा? भोग बनाना भी तो प्रभु की भक्ति हो सकती है मित्र। बिल्कुल हो सकती है, किंतु जो सामर्थ्यवान है मुझे तो निर्धन की सहायता करने में रोगियों की मदद करने में प्रभु की भक्ति दिखती है। मेरे लिए तो मेरे प्रभु का कर्म ही मेरी भक्ति है। फिर तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ समाचार लेकर आया हूँ मित्र। कैसा समाचार है मित्र? कल ही हमारे समीप के राज्य में हरि कथा का आयोजन हो रहा है, संसार के सारे ऋषि मुनि और भक्त वहाँ पधार रहे हैं। ये तो सच में बहुत शुभ समाचार है मित्र। मैं धन से तो उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा परंतु तन मन और अपने कर्म से उनकी सेवा अवश्य करूंगा मित्र। एक ही समय में मेरे दो परम भक्त हैं, दोनों एक दूसरे से विभिन्न। एक ओर राजा पद्मसेन जो मेरी सकाम भक्ति कर रहे थे और दूसरी ओर थे मेरे निष्काम भक्त विष्णुदत्त। किंतु हमें आपके दोनों भक्तों के अंदर कोई भी अंतर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि दोनों ही अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी भक्ति कर रहे हैं। हाँ प्रभु आपकी दृष्टि में दोनों भक्त समान है, इसका उत्तर सरलता पूर्वक कैसे ढूंढा आपने? श्रेष्ठ भक्ति विशेष परिस्थितियों में ही आती है और इन दोनों के सम्मुख वे विशेष परिस्थितियां आई गई। कृष्ण मंदिर सैनिकों पालकी रोको। कितना सुंदर मंदिर है ये, किंतु लगता है कि जंगल में होने की वजह से यहाँ पर कोई पूजा अर्चना नहीं करता। सैनिकों मेरे प्रभु की पूजा सामग्री और उनके आभूषण ले आओ, मुझे अभी इसी क्षण प्रभु की पूजा करनी होगी। क्षमा करे प्रभु, राजकाज के चलते आपकी सुधि नहीं ले पाया, किंतु इस बात का वचन देता हूं मैं आपको आगे से ऐसी भूल कभी नहीं होगी। मेरे जाने के पश्चात भी आपके इस मंदिर में पूजा होती रहेगी, मैं स्वयं आकर प्रभु आपकी पूजा करूंगा प्रभु, किंतु इस समय मैं आप ही की सेवा में आगे जा रहा हूं, इसलिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस घने जंगल में प्रभु का मंदिर ये कब बना पता ही नहीं चला। जैसे प्रभु वैसे प्रभु के उदार भक्त, अब यहाँ आया हूँ तो प्रभु को भोग लगाकर ही जाऊंगा। लगता है किसी भक्त ने प्रभु को आभूषणों से ढक दिया है, उसने सोचा ही नहीं होगा कि प्रभु का प्रिय आभूषण तो तुलसी दल है।
कृष्णाय वासुदेवाय। सूर्यदेव, प्रभु। हे संसार के अंधकार को दूर करने वाले सूर्यदेव, आपको मेरा शत शत नमन। ऋषि करदम, आप तो स्वयं ही ज्ञान के भंडार हैं, तब आपके मुख पर ये चिंता कैसी? कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हे परम आराध्य सूर्यदेव, मेरी समस्त चिंताओं का कारण मेरी पुत्री अनुसुईया का भविष्य है। मेरी पुत्री अत्यंत ज्ञानवान और एकनिष्ठ है। अब उसके विवाह की आयु हो गई है, इसीलिए मैं उसके लिए एक सुयोग्य वर की खोज कर रहा हूँ। किंतु बहुत प्रयास करने के बाद भी उसके लिए सुयोग्य पुरुष नहीं खोज पा रहा हूँ प्रभु, जिससे मैं अपनी पुत्री का विवाह कर सकूँ। करदम ऋषि, आपकी पुत्री अनुसुईया निसंदेह संसार की श्रेष्ठ पुत्री है, और इस संसार में केवल ऋषि अत्रि उसके लिए उत्तम वर होंगे। केवल वही एक ऋषि हैं जिनमें सत, रज और तम तीनों गुण विद्यमान हैं। इसलिए आपको अपनी पुत्री अनुसुईया का हाथ ऋषि अत्रि के हाथों में ही देना चाहिए। आप धन्य हैं प्रभु। हे सूर्यदेव, आपने तो मेरी समस्या का क्षण भर में समाधान कर दिया। आपको कोटि कोटि नमन। आपका कल्याण हो ऋषिवर। पिताश्री, आप कहाँ हो पिताश्री? पुत्री अनुसुईया। पिताश्री आप यहाँ हैं और मैं आपके लिए फल लेकर आई हूँ। चलिए आश्रम चलकर भोजन कर लीजिए। क्या बात है पिताश्री, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? पुत्री, मैं तुमसे एक आवश्यक बात करना चाहता हूँ। कैसी बात पिताश्री? पुत्री, एक समय के पश्चात प्रत्येक पिता को अपनी पुत्री का विवाह करना होता है, किंतु वेदों में यह विधान है कि पुत्री का विवाह उसकी इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। क्या तुम्हारी दृष्टि में कोई पुरुष है जिसे तुम पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो? पिताश्री, पुत्री के भाग्य का निर्णय भला पिता से बढ़कर कौन कर सकता है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे लिए जो भी निर्णय करेंगे वही उचित होगा। तो ठीक है पुत्री, मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं तुम्हारी इच्छा से आज और अभी तुम्हें तुम्हारे होने वाले पति को सौंप दूंगा। सूर्यदेव, मैं आपको साक्षी मानकर अपनी पुत्री अनुसुईया का वरदान ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि अत्रि ऋषि को करता हूं, और आज से अत्रि ऋषि ही मेरी पुत्री अनुसुईया के पति होंगे। पुत्री, यह ग्रहण करो। पिताश्री, इसका अर्थ है कि आज के बाद? हाँ पुत्री, आज से तुम्हारा मुझ पर और मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं। आज से ऋषि अत्रि ही तुम्हारे पति होंगे और तुम्हारे जीवन के आधार भी। इसीलिए जाओ पुत्री, अपने पतिव्रत धर्म का पालन करो। पिताश्री, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आपसे विदा लेने की घड़ी इतनी शीघ्र आ जाएगी। तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सुखमय हो पुत्री। अखंड सौभाग्यवती भव। नारायण नारायण, ऋषि अत्रि तो इसी ओर आ रहे। यदि उन्होंने ये सब देख लिया तो ये तीनों देवियां श्राप की भागी बन जाएंगी। बहुत आदर करती हो ना अपने पति का,
इसमें तो कोई संदेह ही नहीं, मेरे पति ही मेरे जीवन है। किंतु हमें संदेह है देवी, यदि आप अपने प्रेम और आदर का हमें प्रमाण देना चाहती हैं, तो फिर चले जाइए इस आश्रम से। यदि आप अपनी पति की इच्छाओं का सम्मान करती हैं, तो आपको हमारी इच्छाओं का भी सम्मान करना होगा। यदि आप सब यही चाहती हैं, तो ठीक है, मैं इस आश्रम के बाहर अपने पति की प्रतीक्षा करती हूँ। यदि वो चाहे तो मैं ये आश्रम छोड़कर सदा के लिए चली जाऊंगी। नारायण नारायण, आप लोग धन्य है माता। इतनी युक्ति लगाने के पश्चात भी माता अनुसुईया अपने पति के विरुद्ध नहीं हो पाई। मैं क्षमा चाहता हूँ माते, किंतु अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग अपने अपने कार्य में असफल हो गए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग शीघ्र अतिशीघ्र अपने अपने लोक में प्रस्थान कर लीजिए, क्योंकि यदि ऋषि अत्रि यहाँ पर आ गए और उन्होंने अपनी पत्नी का अपमान होते हुए देखा, तो आप लोगों को श्राप भी दे सकते हैं। हम परमेश्वर की पत्नियां हैं, हमें मनुष्यों का श्राप नहीं लग सकता। आप ये भूल रही हैं कि ऋषि अत्रि अपनी पत्नी के प्रताप से परमेश्वर के समान हो गए। वे आप लोगों को श्राप दे सकते हैं और उनका श्राप आप लोगों को लग भी सकता है। देवी, स्वामी, आप यहाँ बाहर किसकी प्रतीक्षा कर रही हैं? स्वामी, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही हूँ, क्योंकि आश्रम में तीन देवियाँ आई हैं, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तीन देवियाँ? कौन है ये देवियाँ? स्वामी, वे कह रही हैं कि वे आपकी पत्नियाँ हैं, किंतु स्वामी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी तीन बहनें और भी हैं? मैंने आपके अतिरिक्त आज तक किसी से विवाह किया ही नहीं। वैसे कहाँ ये देवियाँ? वे आप ही की प्रतीक्षा करिए। आइए स्वामी, आइए स्वामी। कहाँ गई वो देवियाँ? अभी भी इधर ही थी। वो इधर ही कहीं होगी, मैं अभी देखती हूँ स्वामी। देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती हमारे आश्रम में। ऋषि अत्रि अपनी योग विद्या से ये जान गए थे कि तीनों देवियां उनकी पत्नी देवी अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने आई थी, किंतु वो जो नहीं जान पाए थे वो ये कि अपने उद्देश्य में असफल तीनों देवियां अपने पतियों के पास पहुंची और उन्होंने हम त्रिदेवों से स्पष्ट कह दिया, यदि हमने देवी अनुसुईया का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं किया तो तीनों देवियां सदा सदा के लिए हमें भी त्याग देंगी। ये आप क्या कह रही हैं? किसी स्त्री का प्रेम, पति के प्रति उसकी भक्ति की परीक्षा लेना, और वो भी सती अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेना, ये कैसे संभव है देवी? आप त्रिदेवों से ही इस सृष्टि का चक्र चलता है, भला आपके लिए क्या असंभव है स्वामी? क्या आप सब अपनी पत्नियों की इतनी सी बात नहीं मान सकते? देवी, हमें संसार में धर्म की स्थापना करते हैं, उसे खंडित नहीं। आप ही बताइए, हम देवी अनुसुईया की परीक्षा कैसे ले सकते हैं? किंतु ये तो अधर्म होगा। अधर्म तो तब होगा जब कोई साधारण स्त्री हम त्रिदेवियों से सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर ले। हाँ प्रभु, संसार की कोई भी स्त्री हम त्रिदेवियों से अधिक पतिव्रता हो ही नहीं सकती, और ये आप तीनों को सुनिश्चित करना ही होगा। देवी, आपके इस हट में किसी का हित नहीं है, इसलिए मेरी विनती है आपसे, इस हट को त्याग दीजिए। प्रभु, हमारा हट उचित है या अनुचित, ये तो सती अनुसुईया की परीक्षा के पश्चात ही ज्ञात होगा। यदि आप सबने हमारी बात नहीं मानी तो हम त्रिदेवियां आप सबको छोड़कर चली जाएंगी। ठीक है देवी, यदि यही आपकी इच्छा है तो हम देवी अनुसुईया की परीक्षा अवश्य लेंगे।
प्रभु आप, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया? स्वयं को दोष मत दो भले, तुमने कोई अपराध नहीं किया। मैंने इस संसार का सबसे भीषण पाप कर दिया प्रभु। नहीं भले, ये तो नियति का तीर था। हम मेरे शरीर को पीड़ा हो रही है, मुझे नहीं। मैंने ये तीर निकाल दो प्रभु। मैं तो मयूर का पीछा कर रहा था, मुझे तो ज्ञात भी नहीं था कि आप यहां इस वन में हैं। इसलिए कह रहा हूं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसलिए स्वयं को दोष मत दो। अरे मुझे सहारा था, पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो नियति मुझसे इतनी रुष्ट है। भले ही भूल से सही, लेकिन ये दोष मेरा है प्रभु। मुझे दंड दीजिए प्रभु, मेरा वध कर दीजिए। नहीं भले, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारा आभारी हूं। तुमने मेरे विश्राम को ये निंद्रा में बदल दिया। ऐसा मत कहिए प्रभु, आपको कुछ नहीं हो सकता, आप तो सर्वशक्तिमान है प्रभु। फिर भला एक छोटा सा तीर आपका क्या हित कर सकता है? और यदि यमराज आएंगे भी तो उन्हें मैं अपना जीवन दे दूंगा, किंतु आपको कुछ नहीं होने दूंगा प्रभु। नहीं भले, तुम शोक मत करो, तुमने वही किया जो पूर्व निर्धारित है। प्रभु मैं कुछ समझा नहीं। स्मरण करो भले, मेरे राम अवतार के समय मैंने छिपकर तुम्हारा वध किया था और तुम्हें वरदान दिया था। मेरे कृष्ण अवतार का अंत तुम्हारे तीर के कारण होगा भले। ये मैंने आपसे क्या मांग लिया था प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए, अपना ये वरदान वापस ले लीजिए प्रभु। नहीं चाहिए मुझे ऐसा वरदान। नहीं भले, तुम्हारे इस वरदान के कारण ही तो मेरा महाप्रस्थान संभव हुआ है। आप धन्य है प्रभु, आप अपने भक्तों के सभी अपराध क्षमा कर देते हैं। हे नाथ, हे माधव, आपका ये कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा। कृपा कर मुझे बताएं कि आपकी इस पीड़ा को कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। मुझे प्यास लगी है भले, कृपया जल पिला दो। जो हो गया प्रभु। हे देवी देवता, प्रकृति, सृष्टि, इस संसार में मनुष्य के हित के लिए मुझे जो कर्म करने दे वो पूर्ण होए। अब मेरे महाप्रस्थान का समय आ चुका, मुझे आज्ञा दे। हे धरती माता, मैंने इस धरती पे जन्म लिया, दिलाएगी मैं धन्य हो गया। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु धन्य तो मैं हूं कि आपके चरण कमल मुझ पर पड़े। धरती पर अवतार लेकर आपने मुझे पाप मुक्त और धर्म युक्त किया है, इसलिए मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी। आपने अपनी इस पावन धरती पर मुझे धर्म का स्थान दिया, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपकी इस पावन धरती पर अनेक पुण्य आत्माओं का जन्म होगा और वे सदैव आपको समृद्ध करेंगे। प्रभु आपके आश्वासन से मेरा सारा शोक दूर हो गया, मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। हे देवी, वैकुंठ में भी मुझे सदा आपकी मृत्यु का स्मरण रहेगा। जो प्रेम, जो स्नेह मुझे अपने माता पिता से
अपने भक्तों से आपसे मिला, उसकी धरोहर मैं स्वयं अपने साथ ले जा रहा हूं। अब मेरे महाप्रस्थान का समय आ गया है देवी, मुझे आज्ञा दे मां।